पीएम स्वनिधि योजना में सरकार देती है 10,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन। क्या है पीएम स्वनिधि योजना, जानिए इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DK2 न्यूज में। हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह, और हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों के लिए 1 जुलाई से शुरू होगी पीएम स्वनिधि योजना, मिलेगा सस्ता कर्ज। लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पीएम स्वनिधि योजना पेश की गई है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। खास बातें, लॉकडाउन में प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजना शुरू की गई है। 1 जुलाई से शुरू पीएम स्वनिधि योजना, दिया जाएगा सस्ता कर्ज। नई दिल्ली, लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों की आजीविका फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना पीएम स्वनिधि योजना पेश की गई है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम स्वनिधि योजना देश भर में लागू करने और इसमें राज्यों की सहायता के लिए 34 वरिष्ठ नौकर सहायक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे वह एक साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते है। किस्तों को समय चुकाने या समय से पहले चुकाने पर उन्हें 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस ब्याज सब्सिडी को उनके खाते में छमाही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा कर दिया जाएगा। 34 वरिष्ठ नौकरशाही करेंगे योजना की निगरानी। कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि नोडल अधिकारी योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखेंगे, साथ ही समय समय पर खड़े होने वाले मुद्दे के समाधान के लिए राज्यों की सहायता भी करेंगे। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय नोडल अधिकारियों का ड्यूटी चार्टर उपलब्ध कराएगा, साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरों में हितधारकों से संपर्क करने की जानकारी एवं सभी प्रकार की अनिवार्य सहायता भी दी जाएगी। निरंजन कुमार सिंह को छोड़कर सभी नोडल अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में है। सिंह भारतीय वन सेवा के अधिकारी है। ये सभी अधिकारी संयुक्त सचिव के स्तर के हैं। किसे मिलेगा लोन का फायदा? सड़क किनारे ठेले लगाने वाले, रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले को यह कर्ज दिया जाएगा। फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानों भी इस श्रेणी में शामिल की गई है। यह कर्ज बेहद आसान शर्तों पर दिया जाएगा, इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। 50 लाख लोगों को होगा फायदा। सरकार स्ट्रीट वेंडरों की मदद के खातिर इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सीमा तय की गई है। इस स्कीम से 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को फायदा पहुंचाने की उम्मीद है। समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में 7% तक की छूट दी जाएगी। हालांकि अभी कर्ज पर कितना ब्याज देना होगा यह तय नहीं किया गया है। योजना की खास बातें, इस लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल आधारित आवेदन प्रक्रिया होगी। समय पर या उससे पहले कर्ज चुकाने वालों को 7% ब्याज सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। पहले लोन के समय पर और आवेदन जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबिलिटी दी जाएगी। डिजिटल लेन देन की रसीद और भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा भी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विवरण देते हुए इस क्रेडिट फैसिलिटी की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने और कोरोना वायरस संकट से मुकाबला करने के लिए करीब 21 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा भी। आपकी इस योजना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इस योजना के बारे में आपको विस्तार से और जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह, और हमारी लेटेस्ट वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।